बेटा नेक्स्ट जो क्लाइंट है वो थाइमस क्लाइंट है। थाइमस क्लाइंट जो है हमारी हार्ट के ठीक ऊपर है, यहां पर चेस्ट पे है, और इसके बारे में देखा जाए तो थाइमस क्लाइंट के बारे में अगर आप लोकेशन सबसे पहले देखें, अगर आप इसकी लोकेशन देखें, लोकेशन की क्लाइंट है कहाँ पे, अगर आप इसकी लोकेशन बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान सी बात है। आप देखें ऐसे इसको सीखे कि ये पहले एनसीईआरटी लाइन लिख दो तो शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप एनसीईआरटी लाइन मिलाए, लोकेशन लिखा गया है कि भाई देखिए ये डार्सल साइड ऑफ हार्ट, डार्सल साइड ऑफ हार्ट, डार्सल साइड ऑफ हार्ट एंड डार्सल साइड ऑफ हार्ट एंड एवर्टा, यही इस पे यही सेम लोकेशन लिखी गई है एनसीईआरटी में। डार्सल साइड ऑफ हार्ट एंड एवर्टा मतलब जो हमारा हार्ट है ठीक उसके डार्सल साइड में है। अगर आप देखें तो इसकी दो तरह की लोकेशन हम लोग दिखा सकते हैं, ये हमारे चेस्ट में स्टर्नम है, ये हमारे चेस्ट का स्टर्नम है। आप चाहे लिख लें स्टर्नम को हम लोग चेस्ट बोन कहते हैं या ब्रेस्ट बोन कहते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही थी ये लोकेशन है, ये है इसे हम लोग स्टर्नम चेस्ट की बोन है, ये इसमें से प्रोसेस निकली होती है इसे जीफाइड प्रोसेस कहते हैं। अब इसी जगह पर हो सकता है ये जगह है स्टर्नम जहाँ खत्म हो रही है, हो सकता है ग्लैंड यहाँ पे हो। पहला तरीका तो ये है, ये पहली लोकेशन हो सकती है इस ग्लैंड की, पहली लोकेशन ग्लैंड की हो सकती है, और दूसरी लोकेशन ये पहला कॉन्सेप्ट हो सकता है ये ऐसा हो। और दूसरा तरीका ये है कि ये देखिए ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, इस हार्ट के चार चैम्बर हैं, ये राइट आर्किल है, ये लेफ्ट आर्किल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये हार्ट के चार चैम्बर हैं और इस हार्ट के चारों चैम्बर के ठीक ऊपर शायद ये लोकेशन है जहाँ पर ग्लैंड पड़ी हुई है। अगर इस ग्लैंड का नाम लिखा जाए तो इस ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड। एनसीईआरटी ने यही लिखा हुआ है, एवर्टा इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसी हार्ट से यहाँ से जब सिस्टमिक एवर्टा जाएगी तो ऊपर जाएगी। फिलहाल आगे एनसीईआरटी में इतना ही एक्सप्लेनेशन किया गया है कि डार्सल साइड ऑफ हार्ट एंड एवर्टा। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई इसका काम क्या है, स्ट्रक्चर पहले आप देख लें। अगर स्ट्रक्चर आप देखे थे हो, एनसीईआरटी कहते हैं कि ये बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड है, पहली बात आप लिखें बाइलोब्ड है, ये लिख दीजिए। अगर आप इस ग्लैंड का सेक्शन यहाँ देखें, इस ग्लैंड का सेक्शन अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए ये बाहर वाला एरिया है जिस एरिया को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, ये बाहर वाला एरिया है जिसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये अंदर वाला एरिया है जिस एरिया को हम लोग कैप्सूल कहते हैं। मतलब कॉर्टेक्स और कैप्सूल, कैप्सूल इसके अंदर वाला एरिया है और कॉर्टेक्स इसके ये बाहर वाला एरिया है। आप चाहे से इसको बना लें ताकि आपके बात समझ में आ जाए कि ग्लैंड ऐसे ही कुछ दिखती होगी, जिस समय इसका सेक्शन कटता होगा तो ऐसे ही ग्लैंड हमको प्रॉपर दिखती होगी। तो ये ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में पड़ी हुई है, हार्ट के ऊपर है और एवर्टा के बाहर है। तो अगर आपको इसको भी लिखना होगा तो आप लिखेंगे सर आउटर साइड में इसे कॉर्टेक्स कहते हैं, बाहर की तरफ इसे कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि इनर साइड में इसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं। ये देखिए कैप्सूल कहते हैं, ये एक तरह के अगर आप देखें कैप्सूल जो होता है एक्चुअली कैप्सूल इज अ टाइप ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक नोड। ये जो कैप्सूल है ये एक तरह का लिम्फेटिक नोड है, लिम्फेटिक नोड कह सकते हैं। इसलिए अगर आपको पता होगा तो थाइमस को हम लोग लिम्फाइड ऑर्गन में भी कैलकुलेट करते हैं। इस कैप्सूल का अगर हम लोग देखें तो इस कैप्सूल जो है ये एक खास तरह की सेल्स की बनी है। अगर आप देखें तो कंपोज्ड ऑफ एक खास तरह की सेल्स है जिन सेल्स का नाम है कार्पसल्स ऑफ हेजल्स। अक्सर पूछा जाता है कि भाई कार्पसल्स ऑफ हेजल्स कहाँ पाई जाती है, कार्पसल्स ऑफ हेजल्स कहाँ पाई जाती हैं। तो अगर अब आपको क्लियर करना होगा तो आप क्या बताएंगे कि भाई देखिए जब हम थाइमस ग्लैंड का सेक्शन काटते हैं तो आउटर एरिया को कॉर्टेक्स कहते हैं,
अंदर वाले एरिया को कैप्सूल कहते हैं, और ये जो कैप्सूल बना हुआ है ये कार्पसल्स ऑफ हेजल्स का बना हुआ है। ये कार्पसल्स ऑफ हेजल्स क्या है, अगर आप देखें तो कार्पसल्स ऑफ हेजल्स क्या है, एक तरफ की ये सेल्स हैं जिनमें जो है खास तरह के हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये आउटर कार्टेक्स है, इनर इसका जो है कैप्सूल है, आपको ध्यान रखना है। या एक बात और लिख लें, कैप्सूल इज कम्पोज्ड ऑफ, यहाँ पर कमेंट कर लें, कैप्सूल इज कम्पोज्ड ऑफ कार्पसल्स ऑफ हेजल्स। ये अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि कार्पसल्स ऑफ हेजल्स हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, तो आप अगर ये बात एक्सप्लेन कर देंगे तो ये भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस ग्लैंड की लोकेशन हो गई। अगर आप इस ग्लैंड की ओरिजिन देखें तो इस ग्लैंड की ओरिजिन जो है, ओरिजिन सीधे आप इसे लिखें, इस ग्लैंड की जो ओरिजिन जो है इंट्रोडर्मल है, इंट्रोडर्मल इन ओरिजिन है, मतलब ग्लैंड की ओरिजिन इंट्रोडर्म से होती है, इंट्रोडर्मल इन ओरिजिन। जर्म लेयर जो है हमारे यहाँ, उसके इंट्रोडर्म से इस ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, इंट्रोडर्म से इसकी फॉर्मेशन होती है। अब इसका स्ट्रक्चर हो गया, लोकेशन हो गया। अगर आप इसके हार्मोन का डिस्कशन करना चाहते हैं कि भाई इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ये देखिए, अगर आप इससे हार्मोन देखना चाहते हैं तो इससे जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम थाइमोसिन है, थाइमोसिन हार्मोन है। ये एक खास तरह का, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ये खास तरह का पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। अगर आपको मान लीजिए पेप्टाइड नहीं मिलता है तो सामान्य लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि भाई ये प्रोटीन का हार्मोन है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है। ये देखिए प्रोटीन का हार्मोन है, ये देखिए। तो अगर इससे हार्मोन पूछ ले तो इस थायमोसिन हार्मोन निकलता है, और ये थायमोसिन हार्मोन जो है प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है, थायमोसिन हार्मोन निकलता है। अब इसके अगर फंक्शन देखें, फंक्शन तो फंक्शन में अगर आपको देखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मेच्योर इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। तो ऐसे भी देखिए COVID-19 का टाइम चल रहा है और हर आदमी गिलोय खा के अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर रहा है। क्या खा के? गिलोय। हम लोग इस समय इम्यून बूस्टर डोज ले रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारी बॉडी में भी एक ऐसा सेंटर है जहां पर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अब आपको मैं ये बात बता दूं कि जब ये चाइल्ड होता है, छोटा बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसमें ग्लैंड एक्टिव है, और ये ग्लैंड उसमें पिंक कलर की ग्लैंड है। अगर आप कभी देखें किसी छोटे बच्चे की, उस समय आपको छोटे बच्चा का सीना रेड कलर, पिंक कलर का दिखाई पड़ेगा, मतलब छोटे बच्चे में ये ग्लैंड एक्टिव है और पिंक कलर का है, और उस बच्चे में रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, उस बच्चे में इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी मतलब छोटे बच्चे में इम्यून सिस्टम को ये डेवलप करती है। मैंने ऊपर भी लिखा है, दोबारा लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस छोटे बच्चे में हम लोग थायमेक्टोमी कर दें, बाय द वे अगर ऐसा कर दें, थायमेक्टोमी मतलब क्या हुआ? थायमेक्टोमी मतलब हुआ रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड। अगर हम इस बच्चे का रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड कर दें तो ये बच्चे का इम्यून सिस्टम क्या होगा? इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और हो सकता है कि इसकी डेथ भी हो जाए। भाई इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो इस बच्चे की डेथ हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें किसमें की बात हो रही है, छोटे बच्चे में ये ग्लैंड एक्टिव है, पिंक कलर्ड है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर आप इस बच्चे में थायमेक्टोमी कर देते हैं, थायमस ग्लैंड को निकाल के बाहर कर देते हैं, तो इस बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। पहली पॉइंट है, ये एक तरह का हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये खास तरह का एक्सपेरिमेंट है जो आप करके देख भी सकते हैं, लेकिन अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पढ़ने का टाइम है। जब आप पढ़ लेंगे, बड़े हो जाएंगे, तब देखा जाएगा। तो अब यह हो गया पहली स्थिति। दूसरी स्थिति यह है कि यही बच्चा जब मिडिल एज में आ जाता है,
मिडिल एज में आ जाता है तब क्या होता है? मिडिल एज में अगर ये बच्चा आ गया, मतलब मिडिल एज या ओल्ड एज कह सकते हैं, दोनों स्थिति है, ओल्ड एज है, एनसीईआरटी ने ओल्ड एज लिखा है। यही बच्चा जब ओल्ड एज में आ गया, बच्चा थोड़ी हो गया, तो बूढ़ा होने वाला आदमी है, सीनियर हो गया है, तब ये ग्लैंड जो होती है इनएक्टिव हो जाती है। जब ये ग्लैंड इनएक्टिव हो जाती है तो अब आप देखिए इसकी जो पिंक कलर की ना होके ये व्हाइट कलर की हो जाती है, व्हाइट कलर की हो जाती है, और इसकी साइज जो है श्रिंक कर जाती है, जो इसकी साइज है ये श्रिंक कर जाती है, श्रिंक माने छोटी हो जाती है। जब इसकी साइज श्रिंक हो जाती है मतलब ये अपने बड़े आदमी में काम करना बंद कर देती है। तो आप देखिए अगर इस आदमी की थायमेक्टोमी कर दें तो देखिए नो इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम, इस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी यंग या मिडिल एज आदमी में अगर थायमेक्टोमी कर दे तो क्या होगा, आप कह दीजिए उसके इम्यून सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे की भी इस ग्लैंड को निकाल के बाहर कर दे, ब्लैंड को किसी तरह से सर्जिकली रिमूव कर दे, तो उस बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, उसकी डेथ होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको इसका पूरा ध्यान रखना है। इसीलिए अगर आप देखें तो इस कोविड-19 के समय में, अगर आप देखें कोविड-19 के समय में जो कोविड-19 चल रहा है, अगर आप देखिए तो ध्यान दें तो कोई भी बच्चा मर नहीं रहा, कोई भी छोटा बच्चा नहीं मर रहा है। ये देखिए कोई भी छोटा बच्चा नहीं मर रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो सबसे ज्यादा मर कर रहे हैं बूढ़े। कोविड-19 में अगर आप देखें कोविड-19 के कारण, आप ऐसे देख लें कि इस कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा डेथ बूढ़ों की हो रही है। क्यों हो रही है सबसे ज्यादा डेथ बूढ़ों की क्यों हो रही है? ऐसा इसलिए है कि उनका इम्यून सिस्टम बच्चों की कंपैरिजन में कमजोर है, सबसे ज्यादा बूढ़ों की मृत्यु हो रही है। ऐसा आप याद कर लेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और आप देखिए पूरे आप ध्यान से देखेंगे छोटे छोटे बच्चे उनकी वो सर्वाइव कर जा रहे हैं, लेकिन जो बूढ़े हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। शायद कारण यही होगा, यही जिम्मेदार कारण है थायमस ग्लैंड, जो मेनली इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार है हमारी बॉडी में। आइए इसके और सारे फंक्शन हम लोग देखते हैं। बेटा इसके जो फंक्शन है मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक अलग सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। जब आप वो कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो ये बेसिक बातें आप सीख जाएंगे। आइए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर आप जैसे देखेंगे तो इसके लिए लिखा जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। मतलब अगर आप कभी देखेंगे तो इसके लिए लिखा जाता है कि टी लिम्फोसाइट, इसमें जो टी टर्म है वो थाइमस के लिए लिखा गया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स है इनका फॉर्मेशन जो होता है वो होता है कहाँ पे, बोन मैरो में, लेकिन ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। इसीलिए कभी कभी लोग इसे थॉर्न ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं। मान लीजिए कहीं पर लिखा हो ये, कैसे इन्होंने एक खास तरह कैसे सब टर्मिनोलॉजी को दे दिया है कि थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, या कभी कभी लोग इसे ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट कहते हैं। मान लीजिए ऐसे किसी ने लिख दिया कि इसे हम लोग ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। मान लीजिए किसी ने लिख दिया, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि टी लिम्फोसाइट वी लिम्फोसाइट क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, ऐसा क्यों लिखा गया है, ये बात भी आपको सीखनी पड़ेगी। आइए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट आप पहले समझें, अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है फिर देखा जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी जो बोन मैरो है उस बोन मैरो में लिम्फोसाइटो प्रिकर्सर्स हैं। यहाँ पर आप देखें बोन मैरो जो है उसमें लिम्फोसाइटो प्रिकर्सर्स हैं। हमारी जो बोन मैरो है उसमें ये खास तरह के लिम्फोसाइट प्रिकर्सर्स हैं, या इन्हें हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं। ये स्टेम सेल्स हमारे जो है किसमें है, बोन मैरो में है। बोन मैरो आप समझते ही है हमारी हड्डी है, उसके बीच में जो स्पेस है उसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, हम आपको बहुत सिंपल से लहजे में बता रहे हैं। अब ये लिम्फोसाइटो प्रिकर्सर से लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। इससे दो तरह के लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है,
एक लिम्फोसाइट होती है जिसका फॉर्मेशन जिसका नाम होता है वी लिम्फोसाइट्स, ये वी लिम्फोसाइट्स पहली हो गई। दूसरी जो होती है उसे हम लोग टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ये देखिए टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स है इसकी दो भी सेल्स हैं, इसकी दो तरह की सेल्स होती है। एक सेल होती है जिसे हम लोग प्लाज्मोब्लास्ट सेल कहते हैं, समझना है आपको, ये प्लाज्मोब्लास्ट सेल्स हैं, और दूसरी इसकी होती है मेमोरी सेल, मेमोरी सेल्स। प्लाज्मोब्लास्ट सेल्स या इसकी दूसरी सेल्स होती है जिसे हम लोग मेमोरी सेल्स कहते हैं। ये मेमोरी सेल्स हर इनकाउंटर को याद करती है। अब इन बी लिम्फोसाइट से आगे चल के एंटीबॉडीज का प्रदर्शन एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडीज का फार्मूला है गमदे, क्या दे गमदे, अगर आप ऐसे याद कर लेंगे ज्यादा हो जाएगा अच्छा। गमदे का मतलब क्या हुआ, अगर आप एंटीबॉडी का प्रोडक्शन देखें तो सबसे पहले आईजीजी है, फिर आईजीए है, फिर आईजीएम है, फिर आईजीडी है, फिर आईजीई है। ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हमारी ही लिम्फोसाइट करती है। अगर इस एंटीबॉडी के द्वारा आप बॉडी को अपने कंट्रोल में लेते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं इस तरह के इम्यून सिस्टम को कि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, मैं पूरी बात लिख देता हूँ किसी तरह से आपको कोई डाउट ना रहे। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, ये आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिल जाएगा। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, और अगर आप इस इम्यून सिस्टम को देखें तो शॉर्ट में इसको AMIS लिखते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ब्लड में होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ब्लड में होता है, इसलिए इस इम्यूनिटी को हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। बाय द वे किसी ने अगर पूछा तो आपको किसी तरह का डर न रहे कि सही ये बात हम तो यार नहीं जानते हैं, मतलब हमारी बॉडी का एक सिस्टम डिफेंस सिस्टम ये है। और अगर आप देखें तो COVID-19 में जो ये COVID-19 है उसमें हम यही एंटीबॉडी बनाना चाहते हैं। जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन जो होती है इन्हीं एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में मदद करती है, मतलब बॉडी का रिस्पांस दिलाना चाहती है। वैक्सीन इसीलिए इस्तेमाल भी किया जाता है, पहले से रिस्पांस दी जाती है। तो एक इम्यून सिस्टम हो गया। अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स है इनमें भी ढेर सारी सेल्स हैं। सबसे पहली सेल है जिसका नाम है टी हेल्पर सेल, ये पहली सेल है जिसका नाम है टी हेल्पर सेल। इसे शॉर्ट में हम लोग टी के सामने शॉर्ट फॉर्म में एच लिखते हैं। फिर और देखिए इसकी दूसरी जो सेल है इसका नाम है टी किलर सेल, टी किलर सेल। तो अगर आप देखें टी किलर सेल को शॉर्ट में हम टी के लिखते हैं। फिर देखें टी सप्रेसर सेल है, ये हमारी इम्यून सिस्टम को हाइपर सेंसिटिव होने से बचाती है। टी सप्रेसर सेल है, इसको हम लोग टी एस लिखते हैं। फिर देखिए अगली जो सेल है उसका नाम है टी नेचुरल किलर सेल, टी नेचुरल किलर सेल है। ये देखिए इसको शॉर्ट में लोग टी एन के लिखते हैं, अगर इनकेटी लिख देते तो मेरा नाम भी हो जाता। और इसके एक सेल और है जिसका नाम है टी मेमोरी सेल। इस तरह से देखें तो ये एक तरह का इम्यून सिस्टम है। इस इम्यून सिस्टम को हम लोग कहते हैं पूरा, इसके द्वारा जो बॉडी कंट्रोल में आती है उसे हम लोग कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसे हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं। मैं एक बार आपको फिर से क्लियर करा दूं कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम दो तरह के हैं, जैसे हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इसी तरह से हमारी बॉडी में दो तरह से इम्यून सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। एक इम्यून सिस्टम है जिसे एंटीबॉडी गवर्न कर रही है, एक इम्यून सिस्टम है जिसे सेल्स गवर्न कर रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें डोमिनेंट कौन है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इम्यून सिस्टम 80% हमारी बॉडी को डिफेंस देता है, जबकि ये इम्यून सिस्टम 20% इम्यून सिस्टम डिफेंस देता है। ये जो इम्यून सिस्टम है ये इम्यून सिस्टम इनेट नहीं है बल्कि ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम इसलिए कह रहा हूं, ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपको इसका नाम लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं सर ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, ये हमारे बर्थ के साथ नहीं आता है, ये हमारे बर्थ के बाद आता है, आफ्टर बर्थ आता है, इसीलिए हम लोग इसे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एड्स होता है, जो HIV होता है, वो इसी टी हेल्पर सेल को नुकसान पहुंचाता है। HIV जो होता है वायरस, जो एड्स का वायरस है, वो हमारे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एचआईवी का जो वायरस होती है हेल्पर सेल को किल करता है, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। आखिर हमें ये क्यों पढ़ाया, इसके भी क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है इसके। अब देखिए यहां पर आपने क्या लिखा है, लिखाया है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स है जिनका फॉर्मेशन बोन मैरो हो रहा है, इन टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन जो है वो थाइमस ग्लैंड में होता है, इसलिए ये बात लिखी गई है। तो मतलब ये टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती है थाइमस ग्लैंड में। अब अगर आपको और इसके फंक्शन लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर, और भी लिखिए इसे, आप एनसीईआरटी देखिएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, या मैं इसको बुरा लिख देता हूं तो आपके किसी तरह के डाउट ना हो। आपको इम्यून सिस्टम आप देखेंगे तो ऐसे ही एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ये कंट्रोल करता है। ये देखिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको सेम यही लाइन मिलेगी पढ़ने को। ये चैलेंज है मेरा, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी। दूसरी बात देखिए, एक बात और लिखा है इसके एनसीईआरटी ने, एक बात और लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। मिलाइएगा एनसीईआरटी, आपको सेम मिलेगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो हमारा जो इननेट, जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, उस पूरे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को ये थाइमस ग्लैंड मैच्योर करने में मदद कर रही है। जैसे आर्मी के जो जवान होते हैं उन्हें रिक्रूट कहीं और किया जाता है, ट्रेनिंग और कहीं दी जाती है, सेम हालत हमारी बॉडी में ऐसी है। ये जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, इस एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को ये थाइमस ग्लैंड कंट्रोल कर रही है। यही बात आपको सीखनी है, और अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको बेहतर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए, इस ग्लैंड का सिक्रीशन अगर कम हो जाए, हार्मोन्स कम निकले, हाइपोसिक्रीशन हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे? हाइपोसिक्रीशन अगर हो जाएगा, सिंपल सी बात है हार्मोन का, तो इम्यून सिस्टम क्या होगा? सिंपल सी लैंग्वेज लिखिए कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। ये देखिए किसी व्यक्ति का। लेकिन अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए, मतलब इसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, तो मुझे लगता है कि अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तब भी खतरा ही है। सिक्रीशन अगर ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए, मतलब ग्लैंड का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, तब आप देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमें ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। ये देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। कोई नाम पूछे, कोई नाम बता दो, लिख दीजिए सर एक नाम मुझे याद है, नाम पूछे क्या है, लिख दीजिए सर ये एक डिसऑर्डर है जिसका नाम मिस्थीनिया ग्रेविस है। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा इम्यून सिस्टम है जो इस ग्लैंड के एक्टिव हो जाने से हो जाता है। तो अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा, और अगर सिक्रीशन इसका कम हो गया तो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। आपके साथ क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं, उनको हर महीने आप देखेंगे 10-10 दिन पे 15-15 दिन पे जुकाम बुखार आता है, और जिनको जुकाम बुखार आता है उनका ये इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, छोटे बच्चे हैं तो। क्योंकि बड़ों में मैंने पहले आपसे बता दिया कि ये ग्लैंड इनएक्टिव है। तो अगर आपको इम्यून सिस्टम मजबूत करना है तो आपको क्या खाना पड़ेगा? इम्यून बूस्टर डोजेस खानी पड़ेंगी, मसाले लेने पड़ेंगे, तब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। एक बात आप ये देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, ये एक अच्छा शब्द है आपको सीखना है। हमारी बॉडी में ऐसे तमाम चीजें हैं जो उम्र के साथ काम करना बंद कर देती हैं। तो जब हमारी उम्र बढ़ती है तो इसका काम बंद हो जाता है, जब इसका काम बंद हो जाता है तो लोग ये मानते हैं कि बुढ़ापा इसी ग्लैंड के कारण आता है। इस ग्लैंड के एक्टिव होने या इनएक्टिव होने के कारण, इनएक्टिव होने के कारण हम लोगों में बुढ़ापा आता है। ऐसा क्या होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग? जब ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है क्या बेटा, इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव हो जाती है तो उससे क्या आता है, बुढ़ापा आता है। इस तरह से आपको ये बात समझना है कि थायमोसिन हार्मोन जो है हमारी बॉडी में पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम यही संभाल रहा है। अगर ये हार्मोन बूढ़ों में थाइमस निकाल दे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे की थाइमस ग्लैंड को निकाल के बाहर कर देंगे तो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। इसलिए अपने थाइमस को संभाल के रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, और जय वायु जय जीन जय एनसीईआरटी का नाम लेते रहें।